सीधे आपको बरेली चलते हैं, गृह मंत्री अमित शाह वहां पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरे उत्तर प्रदेश में आज 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने हैं, 8 सादे एयरपोर्ट बने हैं, 5 एक्सप्रेसवे बने हैं, 14,000 किलोमीटर सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है, 10 शहरों में मेट्रो बनाई गई, इन्वेस्टर समिट में लगभग 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ चुका है, ग्राम सड़क योजना में 7,000 किलोमीटर की सड़क का निर्माण हुआ है, स्मार्ट सिटी में लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, हमारा बरेली, झांसी, मुरादाबाद और अलीगढ़ में स्मार्ट सिटी बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, ये अखिलेश बाबू की सरकार थी, वो परिवारवादी सरकार थी, जातिवादी सरकार थी, सपा की सरकार आती थी एक जाति का काम करती थी और बसपा की सरकार आती थी दूसरी जाति का काम करती थी। मोदी जी ने सबका साथ, सबका विश्वास लेकर सबका विकास किया, सभी जातियों का काम। हमारे धर्मपाल जी ने आंवला मीरागंज को जोड़ने वाला बूढ़ा वसंतपुर घोड़ा हेमराजपुर पुल का निर्माण कराया, कैलाशगिरी मढ़ी के पुल का शिलान्यास हो चुका है, बरेली में एयरपोर्ट का निर्माण शुरू हो गया है, निर्माण करकर संचालन भी शुरू हो गया है, बरेली में 300 बेड का नया हॉस्पिटल बनाया है और वहां ऑक्सीजन का उत्पादन भी हो रहा है, बरेली में पूरे जिले की माताओं बहनों के लिए महिला चिकित्सालय बनाया है, आंवला के पास ही राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज और 2 नए कॉलेज बनाने का काम हुआ है और बरेली के एमएसएमई उद्योग को विश्व में नई पहचान मिली। सिर्फ आंवला के अंदर 3,30,000 माताओं को सिर्फ आंवला विधानसभा में गैस का कनेक्शन देने का काम किया है और 3200 से ज्यादा गरीब घरों में बिजली पहुंचाने का काम हमारे धर्मपाल लोधी जी ने किया है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये दल बदल कर जो आए हैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी के चिन्ह पर लड़ते थे, अब साइकिल लेकर आए हैं, उनको वापिस भेजोगे या नहीं भेजोगे? जोर से बोलो, भेजोगे या नहीं भेजोगे? माताओं भाइयों बहनों, जो व्यक्ति अपनी पार्टी का नहीं हो सकता वो आंवला की जनता का भी नहीं हो सकता। बहुत उतार चढ़ाव देखे धर्मपाल जी ने अपने जीवन में, बहुत उतार चढ़ाव देखे, यूपी में कई बार पार्टियां टूटी मगर धर्मपाल जी ने कभी कमल का निशान नहीं छोड़ा, हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ। मित्रों, मुझे बताओ आज हमारा कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है या नहीं? जोर से बोलो भाई, है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? जब मोदी जी धारा 300 हटाने का, धारा 370 हटाने का बिल लेकर आए, इस सपा बसपा कांग्रेस विरोध कर अपनी वोट बैंक के लिए, मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी वोट बैंक देश से भी बड़ी है क्या? मित्रों, वोट बैंक बड़ी हो सकती है देश से, सबसे बड़ा देश होता है उसके बाद वोट बैंक आती है। तो भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, किसी से डरते नहीं है। ये अखिलेश बाबू कहते थे धारा 370 हटी तो खून की नदियां बह जाएगी। माताओं भाइयों बहनों, खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई कंकर। और मोदी जी ने
धारा 370 को हटाकर फेंक, और एक वो ही कर सकता है जिसके मन में देश के प्रति शुद्ध प्रेम की गंगा बहती हो, वो ही कर सकता है, नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार के केंद्र में सपा बसपा का समर्थन था, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। 10 साल तक पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, मनमोहन सिंह के मुंह से उफ नहीं निकलती थी मित्रों। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, आंवला बरेली वालों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया, और फिर पाकिस्तान को ठनक नहीं लगी कि सरकार बदल गई है, गलती कर दी, पूरी और पुलवामा में हमला किया, मगर इस बार कांग्रेस की सरकार नहीं थी, नरेंद्र मोदी की सरकार थी। 10 ही दिन के बरेली के बाद आपको रामपुर लिए चलते हैं, अखिलेश यादव का संबोधन देखते हैं। रामपुर में समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा की आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें। रामपुर की सड़कों पर अखिलेश यादव विजय यात्रा निकाल रहे हैं, उनके समर्थक देख लीजिए आप, लाल टोपी में नारे लगा रहे हैं, गीत भी बज रहा है समाजवादी, और देखिए उनके जो समर्थक हैं वो ऊपर से फूल बरसा रहे हैं, ऊपर से फूल बरसा रहे हैं, ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, और हरे और लाल रंग के गुब्बारे इन समर्थकों के पास, और सभी के सिरों पर तो नहीं लेकिन ज्यादातर के सिर पर लाल समाजवादी टोपी भी दिखाई दे रही है। तो इस दोपहर रामपुर की सड़कों पर अखिलेश यादव विजय यात्रा निकाल रहे हैं, थोड़ी देर पहले उन्होंने वहां पर लोगों को संबोधित भी किया। विजय यात्रा लेकर इस वक्त समाजवादी पार्टी की ये अखिलेश यादव का विजय रथ जिस पर वो सवार है, लाल और हरे रंग के गुब्बारे और उनको छू लेने की होड़ में उनके समर्थक। रामपुर में सपा की विजय यात्रा की तस्वीर, सड़क पर जिस सड़क से वो गुजर रहे हैं यहां पर भारी भीड़ उनके समर्थक है, और इसीलिए ये विजय यात्रा रामपुर की बहुत अहम। रामपुर में अगले दौर में चुनाव, रामपुर में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन पिछले चुनाव में भी अच्छा रहा, और अपने उस प्रदर्शन को और बेहतर करने का प्रयास होगा यहां पर समाजवादी पार्टी का और अखिलेश यादव का, और इसीलिए अपना विजय रथ लेकर वो निकल पड़े हैं रामपुर में। और आप देख लीजिए कैसा उत्साह है, कैसा जोश है सपा समर्थकों और कार्यकर्ताओं में। ये फूलों की टुकड़ियां उनके रथ के ऊपर बिखरी पड़ी है, ऊपर से जो लोगों ने फूल बरसाए उसके टुकड़े आपको इस रथ पर साफ साफ दिखाई दे सकते हैं। और ये देखिए आप अखिलेश यादव अपने हाईटेक रथ में ऊपर आ गए, हाथ वेव किया उन्होंने, क्या जयंत चौधरी भी है उनके साथ, देखना होगा, नहीं अब्दुल्ला आजम उनके साथ हैं, उनके रथ पर सवार हैं। और देखिए आप जो छत पर उनके समर्थक खड़े हैं उनको भी वेव किया, हाथ हिलाया अखिलेश यादव ने, तो यहां पर अच्छा समर्थन दिखाई दे रहा है अखिलेश यादव को बेशक। और ये देखिए आप अब्दुल्ला आजम क्या करने जा रहे हैं, ये देखिए आप, अब्दुल्ला आजम यहां पर शॉल लमा कुछ खोलते हुए, और ये देखिए आप प्रशंसकों की तालियों के बीच में, ये देखिए आप अब्दुल्ला आजम ने अखिलेश यादव का हाथ पकड़ के उठा दिया। ये महत्वपूर्ण तस्वीर है रामपुर से, ये एक बड़ी राजनीतिक तस्वीर साबित होगी आने वाले दिनों में, ये तस्वीर आर्काइव हो सकती है 2022 के चुनाव में।
रामपुर की सड़कों पर विजय रथ लेकर निकल चुके हैं अखिलेश यादव। अब देखिए उसके बाद क्या किया अब्दुल्ला आजम ने, उन्हें ये शॉल उड़ाई और उसके बाद अब वापस अपने रथ में बैठते हुए अखिलेश यादव। बड़ी संख्या में सपा के समर्थक साथ साथ विजय रथ यात्रा के, अनेकों लाल टोपी पहने हुए और पुष्प वर्षा भी समर्थक जो घर हैं उनके सदस्यों के द्वारा आप देख सकते हैं होती हुई। ये देखिए तो रामपुर की सड़कों पर ऐसा समर्थन अखिलेश यादव को, अपने विजय रथ पर सवार वो रामपुर से गुजर रहे हैं। समर्थकों का ये देखिए आप जोश में, ये रामपुर का एक मुस्लिम बहुल इलाका, एक बड़ी मस्जिद भी वहां पर दिखाई पड़ रही है। और समाजवादी जो गीत है, जो चुनावी गीत है, वो भी आप सुन सकते हैं बैकड्रॉप में बजता हुआ, और समाजवादी पार्टी के झंडे भी आप देख सकते हैं उनके समर्थकों के हाथों में। तो विजय रथ यात्रा अखिलेश यादव की रामपुर से लाइव आप देख रहे हैं। बहुत चौड़ी सड़क नहीं है, ये रिहायशी इलाका है ऐसा जान पड़ता है, और यहाँ से गुजर रहे हैं अपना रथ लेकर अखिलेश, और सड़क पे उनके समर्थक चल रहे हैं, और सड़क पे उनके समर्थकों के अलावा कोई और दिखता भी नहीं है। रामपुर में समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा तस्वीरें लाइव, थोड़ी देर पहले की जो तस्वीरें हम प्रयास करेंगे आपको फिर से दिखाएं, जब वो रथ पर ऊपर आए, हाईटेक रथ उनका जो उसमें लिफ्ट है उसके जरिए वो ऊपर पहुंचे रथ की छत पर, उनके साथ अब्दुल्ला आजम थे, उन्होंने एक शॉल उन्हें उड़ाई, और उसके बाद जो तस्वीर बनी वहां पर वो हम आपकी स्क्रीन पर जरूर रखेंगे। उसके बाद फिर से उनका ये विजय रथ रवाना हो गया है, और देखिए छतों पर कितने सारे लोग उपस्थित, छत पर कितने सारे समर्थक और कार्यकर्ता और चाहने वाले समाजवादी पार्टी के, या कम से कम उनको वहां से गुजरते देखने वाले तो वहां पर जरूर ही उपस्थित हैं। रामपुर के स्वार में अखिलेश की विजय रथ यात्रा और प्रचंड समर्थन को दिखता हुआ। तस्वीरें मिल रही हैं, अखिलेश यादव रामपुर में हैं, विजय रथ यात्रा लेकर निकले हुए हैं, और गृह मंत्री अमित शाह की भी अबे तस्वीर मिल रही है। दोनों ही तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं, अखिलेश यादव की और गृह मंत्री अमित शाह की, दोनों अपने अपने दलों के लिए कैंपेन कर रहे हैं। रामपुर में समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा आप देख सकते हैं, और उनके समर्थकों का जोश आप देख सकते हैं। दूसरी ओर अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह का आप संबोधन देख सकते हैं। रामपुर में समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा, और अब मुझे बताओ भाई, इतना बेनामी पैसा रखने वाले को पकड़ना चाहिए या नहीं पकड़ना चाहिए? जोर से बोलो भाई, पकड़ना चाहिए या नहीं पकड़ना? अखिलेश बाबू के पेट में मचलन होने लगी, मोदी जी क्यों रेड कर रहे हैं? अरे भाई ये तो बताओ, ये आपके क्या लगते हैं? अखिलेश बाबू, नरेंद्र मोदी की सरकार है, टैक्स नहीं भरेगा, भ्रष्टाचार नहीं करेगा, वो जेल की सलाखों के पीछे जाए। जो टैक्स नहीं भरेगा, भ्रष्टाचार से जेल इकट्ठा करेगा, वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। और इसीलिए आज 5 ही साल में उत्तर प्रदेश, सपा बसपा बसपा सपा, उत्तर प्रदेश को देश की 7वें नंबर की अर्थव्यवस्था छोड़कर गए थे। कौन से नंबर की भाई? मोटा भाई करे बगैर मैं बोलता हूं, वो बताओ, अखिलेश 7वें नंबर की अर्थव्यवस्था छोड़कर गए थे, कौन से नंबर की?
जोर से बोले कौन सी। अब 5 ही साल में मोदी जी और योगी जी ने उत्तर प्रदेश को 7वें नंबर से 2रे नंबर पर लाने का काम कर दिया है 5 ही साल में। और एक 5 साल दे दो, हम उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाएंगे मित्रों, 1 नंबर पर ले जाने का हमने तय किया है कि 5 साल में उत्तर प्रदेश के हर नागरिक की आय को 2 गुना करेंगे, 10 लाख करोड़ का निवेश लाकर यहां रोजगारी का निर्माण करेंगे और ढेर सारी चीजों को हमने किया है मित्रों। हमने जातिवाद को समाप्त किया है। सपा की सरकार आती थी एक जाति का काम करती थी, बसपा की सरकार आती थी दूसरी जाति का काम करती थी। मोदी जी ने सबका साथ सबका विश्वास करकर उत्तर प्रदेश के सभी गरीबों के कल्याण का काम किया है मित्रों, सभी गरीबों के कल्याण का काम किया है। मैं आपको बताने आया हूं मित्रों, 70 साल तक एक कांग्रेस की सरकार चली मगर यहां पर गरीबों का कोई काम नहीं हुआ। सपा बसपा बसपा सपा बुआ भतीजे की सरकार चली मगर कुछ काम नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने ये 5 ही साल में 1,67,00,000 माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम किया है मित्रों, गैस का सिलेंडर देने का। और 1,67,00,000 माताओं को जो गैस का सिलेंडर दिया है, फिर से भाजपा सरकार बना दो, होली और दिवाली पर 1-1 सिलेंडर मुफ्त देने का काम हम करने वाले हैं मित्रों, 1-1 सिलेंडर। मैंने घोषणा पत्र घोषित किया, घोषणा पत्र में योगी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के सुरेंद्र भाई ने कहा कि हम गरीब बच्चियों को स्कूटी देंगे, तो अखिलेश ने कहा हम वो स्कूटी में पेट्रोल भराएंगे। भैया अखिलेश, इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम जीतेंगे, हम स्कूटी देंगे, बाद में आप इसमें पेट्रोल डलाओगे।